गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिलहाल इधर से निकलने वाले हैं, छोटी सी राइड पे जाएंगे और फिर देखो। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, अभी इतना तेज़ धूप निकली है जो क्या बोलूँ। और मेरी रानी आप लोगों के सामने खड़ी है। चलो फिर निकलते हैं राइड पे, मज़े करेंगे मज़े। अभी दोपहर के 12:30 हो रहा है, सुबह से निकल नहीं पा रहा था जो बारिश की वजह से। इतना तेज़ बारिश हो रहा है, फिर धूप आ रहा है, बारिश हो रहा है फिर धूप आ रहा है, ऐसा हो रहा है तो निकल नहीं पा रहा था। तो अभी निकला हूँ, चलो नीचे से निकल लेते। गलत रूट ले चुका हूँ, मुझे ऊपर से जाना था। और भाई देखो हरे हरे खेत, मजा ही कुछ और है, देखने के मजे ही कुछ और है। मशीन टू निकालेगा, पूरा काला काला धुआं निकल रहा है। अरे रे कितना मच्छर भगा रहा है लोग, क्या बता। आज का मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, ठंडा गरम मौसम है। कभी बारिश है कभी धूप है। देखो अभी थोड़ी देर पहले धूप नहीं था, फिर से धूप आ गया है। धूप मतलब बहुत ही तेज, मतलब सुनहरा कलर का धूप है पूरा, बहुत तेज धूप है। इधर का व्यू देखो और ये आसमानों को देखो, ओहो क्या दिखता है भाई। पैंट तो पूरा गीला हो चुका है। अब थोड़ा कुछ सामान देने जाना है, मेरी गाड़ी में कुछ सामान है वो थोड़ा पहुंचाना है। इधर से जाना मेरे पड़ेगा, शायद ज्यादा नहीं, आज हाँ वही कोई 8-9 किलोमीटर होगा। बीच देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, धूप की वजह से चमक रहा है पूरा। खुले आसमान, ओ क्या नजारा है। व्यू देखो, ये धूप की वजह से और भी ज्यादा चमक रहा है, ये नजारा पूरा और भी ज्यादा चमक रहा है धूप की वजह से। क्या मस्त दिखता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुआ है, धूप मतलब अजीब सा है, धूप चमकीला धूप है पूरा। और ये देखो पानी ऊपर ही फेंक रहा है, अब हम लोग पहुंच गए हैं रतलिया। इधर तो ओहो साइड से जाना पड़ेगा, साइड से जाना पड़ेगा, बहुत ही कड़क धूप है। इधर से सीधा गया तो खड़गपुर है,
खड़गपुर है, मिदनापुर है, सीधा गया तो मुझे उधर से लेफ्ट लेना पड़ेगा, ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा। इधर तो लगता है बारिश ही नहीं हुआ है, शायद हम लोगों के उधर जितना बारिश उधर ही हो रहा है, इधर तो बारिश ही नहीं हुआ है लगता है। थोड़ा सूखा सूखा है, अगर हुआ भी तो है हल्का। और ये हम पहुंच गए इस जगह का नाम शायद पसड़ी है, हाँ वही होगा। पहुंच गए हैं इधर से, दुकान से कुछ खाने पीने का कुछ सामान ले लेता हूँ, भूख तो लगी है बहुत ज्यादा। कुछ खाने पीने का सामान ले चुके हैं, अभी हम निकलते हैं नई लोकेशन पे। और भाई लोग मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो। भाई थोड़ा प्यार दिखा दो मेरे चैनल को, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। का मौसम बहुत बढ़िया है, धूप भी बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है धूप की वजह से। फाइनली भाई हम लोग अभी गांव में घुस गए, मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं अभी। और देखो फिर ये मेरे दोस्त के पास जा रहे हैं अभी। ये मेरा गांव नहीं है, मतलब मेरे दोस्त का गांव है, तो उसके पास थोड़ा मिलने के लिए आया था। पहले एक दोस्त से मिल के आया, अभी फिर दूसरे दोस्त से मिल लेता हूँ। मिलने के बाद उसका सीधा घर जाएंगे, घर जाकर रेस्ट करेंगे, मजा करेंगे, मौज उड़ाएंगे, मौज उड़ाएंगे, मौज उड़ाएंगे, मौज उड़ाएंगे। तो भाई लोग ये खड़ा है देखो मेरे ऐसा दोस्त, इसको हम लोग और एक दोस्त मिल गया था, अभी दूसरे दोस्त के घर पे जा रहे हैं अभी। देखो इधर की रोड में एनी टाइम बारिश ही बारिश रहता है, ये मिल गया देखो, नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। चालू है कैमरा, ठीक है। नाम लिया, शैतान इधर ही हाजिर हो गया, इसी के पास आ रहा था। अबे ये क्या। रुको कैमरा बंद करते हैं। तो भाई लोग अभी फिलहाल बंद करते हैं। तो भाई मेरे दोस्त को लेके थोड़ा घूमने निकल। अबे इसके कहाँ, देखो ये गांव है, रास्ते में ऐसा पानी पानी होता है इधर। भाई मेरा दोस्त बोल रहा है इधर एक टूटा, मतलब इधर वो नदी में बाढ़ आया था ना बहुत ज्यादा, तो टूटने वाला था, उधर लेके जाने वाला है। तो चलो घूम के आते हैं फिर, ऐसे भी तो टाइम पास तो हो नहीं रहा है, टाइम पास ही करेंगे, थोड़ा घूम के मजे लेंगे। गांव के अंदर से लेके जा रहा है, सबका रिएक्शन देखो, सब देख रहे हैं हेलमेट के अंदर जो क्या लगाया है ये बंदे, हेलमेट में क्या लगा है। गांव में इन लोगों को ये सब कुछ पता नहीं रहता है, तो इसलिए देखते रहते हैं, ऐसा 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 रिएक्शन देते हैं, क्या बोलूं। बस भाई लोग आप लोग राइड की मजे लो और कुछ नहीं। और आप लोगों को बताया था इधर से बकरियों से बच के रहना, कभी भी गाड़ी के अंदर घुस जाती है और कुत्ते बकरी इन लोगों से बच के ही रहो। ये देखो हमारे गांव की खासियत, पूरी हरियाली हरियाली भरी हुई रहती है। मजा ही कुछ है गांव गांव के अंदर, ये बाइक चलाना मतलब बहुत ही मजा है, अलग लेवल का मजा है। सब कुछ गांव के अंदर का ही है। और भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दिखा दो, बस इतना ही है। ये देखो आंटी लोग कितना रिएक्शन दिखा रही है। ये अब चलने वाले, ये नदी का रोड है जो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। अब हम इधर का व्यू और नजर, ये सामने क्योंकि क्या गई था, मतलब घेरित था ना यहाँ गाइडो में, तो आधा रोड पूरा ले ली था।
देखिए भाई, पूरा ऐसा रोड टूटने वाला था बीच में से। ये रोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन सर बच्चे बहुत घूमते हैं, थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है रोड पे। अब इधर से हम लोग डाउन जाएंगे और फिर वापस अपने पासकुड़ा जो है उधर जाएंगे। काकी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी हॉर्न बजाते साथ ही तो उसका नजर आ रहा हूँ नहीं यार, बड़ा आदमी ये जो मेरा दोस्त है बड़ा आदमी है, वो मिलता नहीं है, इसको ढूंढने के लिए उसके घर पे आना पड़ता है। चाचा मस्त था एकदम रोड के ऊपर। गया हूँ। अबे ये छपरी लोगा कहाँ घुरा गए तेरे? चालू है कैमरा? कैमरा चालू है, जाने पता है ना, वो जने तो तुम रोल ठू लियो। हाँ ये देखो अपने गांव के भाई लोग हैं, ये देखो मुंह छुपा रहा। अबे ठरगी मुंह दिखा, अबे मुंह दिखा। ये देखो ये मेरा मतलब फुप्पा का लड़का है और अपने गांव वाले भाई लोग है सब। अरे